हरिओम, मेरा नाम बंसीधर विश्राम नाईक है। मैं माहिम में रहता हूँ। मैं रेलवे में काम करता था, मैं रिटायर हो गया हूँ। 2005 की बात है। कुछ काम के लिए मुझे रेलवे से पास निकालना पड़ा। हमको 3 फ्री पास मिलते थे, रिटायर होने के बाद 2 पास मिलते हैं। पास लेने के लिए मैं कल्याण पहुंचा, जहाँ मेरा हेडक्वार्टर है। पास लिया 2:30 बजे थे दोपहर के। मैं सोचा घर जाके भी क्या करूँ। इधर जो दोस्त लोग हैं जिनके साथ मैंने 30-35 साल काम किया है, एक फैमिली सी हो गई थी, तो जाके मिलूँ, उनके हाल अहवाल पूछूँ, चले आओ। वैसे दोस्त के घर पे गया, बातें करते करते कब शाम हुई पता नहीं चला, अंधेरा होने लगा। 7:30 का टाइम था। हम उनके घर से बाहर निकला और रोड पार करके घर में फ़ोन करने का, इसलिए टेलीफोन बूथ में चले गया। तो टेलीफोन बूथ में जाने से पहले मृत्यु आधा इंच मेरे आगे से निकल गया। घटना ऐसी हुई, जब टेलीफोन बूथ के पास जा रहा था मैं, उसी वक्त एक मोटर बाइक इतने जोर से मेरे पास से गुजर गई, सिर्फ हवा लग गई मुझे। अगर एक कदम आगे मैं डालता था तो मेरी मृत्यु वहीं हो जाती थी, मगर कुछ जो शक्तियां हैं वो शक्तियां हमें बचाती है मृत्यु से। ये कभी हमने ध्यान नहीं दिया था। और मेरी जान बच गई, घर में आया, भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा, सदगुरु आज मैं बच गया। पता नहीं था क्या हमारे घर पे ऐसे इंसिडेंट कभी हुए नहीं थे, और जो हो गया मैं बहुत डर गया था घर में। बच्चा की तरह ढूंढने गया तो उसके माँ ने बताया कि वो आज लेट आने वाला है। हालांकि वो पुलिस में काम करता है, बम्बई पुलिस में, नहीं आया करके हम लोग सो गए। खाना पीना खाया, उसकी 3 महीने की छोटी बच्ची थी। अब रात को अगर टेलीफोन की घंटी बजती है तो उठ के रोने लगती हो, इसलिए हम लोग ने टेलीफोन की घंटी का आवाज़ कम करके रख दिया, बिल्कुल नहीं के बराबर, और हम लोग सो गए। हमारे घर का मालिक आया तो बच्ची और उसकी माँ नीचे सो गई, मैं और मेरे मिसेस माले पे ऊपर जाके सो गए। सो गए इतने गहरे नींद में गए कि रात को 2:30-2 का समय हो गया होगा, और दरवाजे पे दस्तक होने लगी। मेरी बहू उठी, उसने आवाज़ दिया, आबा दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, कोई आ रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है। मैं नीचे आया, देखा दरवाज़ा खोल के तो 2-3 आदमी खड़े थे। मैं बोला उनको, अरे अमित तो नहीं आया ड्यूटी से? तो बोले अमित के लिए हम लोग आए हैं, अमित का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट सब सुनते ही मेरे पैर की नीचे की जमीन हिल गई। इतने में मेरी मिसेज नीचे आ गई, फिर क्या हुआ तो उसको बात बता, तो उसकी हालत मेरी जैसी हो गई। अब मैं उनको पूछता, बच्चा कैसा है मेरा, किधर लगा है उसको, क्या हुआ है? तो बोले आप चलो, हम लोग ने गाड़ी लाई है बाहर, हम जाएंगे, उसको हिंदुजा हॉस्पिटल में रखा है। अरे बाप रे। मैं बोला ठीक है। तो मेरा बड़ा लड़का जो है
वो थोड़ा दूर रहता है, घर में जगह नहीं होती करके उसने दूसरी जगह ली, दूसरी जगह पे रहता। उसको बुलाया मैंने, बोला दादा ऐसा ऐसा हो गया, तो बेचारा झटपट भागते आ गया। हम लोग पहुंच गए हिंदुजा हॉस्पिटल में, देखा तो इसकी हालत देख के मैं सुन हो गया। उसके कान से खून बह रहा था, कपड़े खून से लथपथ हो गए थे, स्ट्रेचर पे पड़ा था। उसको जैसा देखा मेरे मुंह से शब्द निकल गए। उसके छाती पे हाथ रख के मैं कहा, अरे अमित मैं आया हूँ, डर मत। अभी वो पूरा कोमा में गया था। हालांकि हुआ क्या, वो जब गाड़ी लेके आया था उसकी गाड़ी घड़े रास्ते में बिगड़ जाती थी, तो मैकेनिक को ढूंढ के पीछे बिठाया और वो गाड़ी लेके आ रहा था। इतने में किसी ने वो गाड़ी को ऐसे जोर से ठोक दिया कि बुलेट गाड़ी का पीछे का जो चक्का था वो डी शेप हो गया। अब डी शेप समझते हैं ना, पूरा दब गया और जो उड़ गया ऊपर वो नीचे गिरा, सर पे पड़ गया, डायरेक्ट कोमा में गया। तो पीछे जो लड़का बैठा था उसने भाग दौड़ी करके गाड़ी को एक रोकाया। वो गाड़ी वाला बेचारा रुक गया और गाड़ी में डाल के उसको हिंदुजा हॉस्पिटल में ला के रखा था। अभी आगे बात सुनो। डॉक्टर जी बोलने लगे ये हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं होगा क्योंकि हॉस्पिटल में क्वार्टर खाली नहीं है, इसको आप केम में लेके जाइए, बांद्रा में लेके जाइए, भाभा हॉस्पिटल में, या साइन में लेके जाइए। तो अब मुझे चिंता होने लगी, करे क्या। इतने में मेरे पड़ोस में बहन भाई रहते, बहन का नाम है मीना और भाई का नाम मंगेश देसाई। उन लोग आ गए, बोले काका क्या हो गया। मैं बोला ऐसी ऐसी बात है। तो तुरंत उनने उनके पहचान के सावन करके आदमी उनको बोला, बोला ऐसी ऐसी बात है, देखो इन लोग का हॉस्पिटल में रखना नहीं चाहते, डिस्चार्ज देना चाहते, और इसकी कंडीशन ऐसी कि अगर हिला दिया है उसको तो लड़का वापस मिलने वाला नहीं। तो सावन जी ने, अजीत सावन उनका नाम, उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की और राजी हो गए फिर डॉक्टर लोग कि भाई देखो सवेरे 10 बजे तक आपको 1.5 या 2 लाख रुपए काउंटर पे जमा करना है और जैसे जैसे पैसा लगेंगे वैसे आपको जमा करना पड़ेगा। बोले ठीक है, इसको ठीक करना है, मैं कुछ भी करूं, घर बार बेचूं, मगर इसको ठीक करना है। मीनवाइल 15,000 रुपया भरना था खून के लिए। अब मैंने जेब में देखा तो सिर्फ 500। अब क्या करें, पैसा कहाँ से जुड़े। तो इतने में उसके दोस्त लोग जी तैयार हो गए, एक ने 10,000 दिया, उसने कुछ 5,000 अच्छा जमा करके 15,000 रुपये भर दिए और काउंटर पे से लौट के आके बोले काका पैसा भर दिया हम लोग ने। इलाज शुरू हो गया। सवेरे 4 बजे हॉस्पिटल से ऑपरेशन थिएटर में गए थे, 6:30 बजे उन्होंने ICU में लाया उसको, देखा तो पूरे सर को बैंडेज, पूरा चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ आँख खुले थे, मगर हालचाल कुछ नहीं थी, मुंह में नली थी, नाक में नली थी, हाथ में नली थी, दूसरे हाथ में खून लगाया था और मेरा लड़का चुपचाप कोमा में कॉट पे पड़ा था। सवेरे 8:30 हो गए, सब जगह पता चला कि मेरे अमित को एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसी समय उसके साथी कम से कम 100-200 लड़के लोग हॉस्पिटल लेने से जमा हो गए। मंगेश जी की बहन आ गई,
उन्होंने क्या किया है, बापू का एक फोटो और उदी लाके मेरे हाथ में थाम दी और बोलिए आप आईसीयू में जाके ये फोटो उसके तकिए के नीचे रखो और ये उदी उसको लगाओ। अंदर जाके देखता हूँ, डॉक्टर एक बार जो नर्स दो दो नर्स है, डॉक्टर है, सब साथ में बैठे। मैं अंदर गया और उनसे रिक्वेस्ट की, बोला ये फोटो जो है वो उसके तकिया के नीचे या तकिया के ऊपर रखो, ठीक, वो फोटो दिखना चाहिए और मैं उदी लगा रहा हूँ। मैं बापू की उदी लगाई, बाहर चले आ गया। एक दिन गया, दो दिन गए, तीन दिन गए, चार दिन गए, संडे आ गया। इतवार के दिन जो मैं मुँह बोला बेटा, जिसको बोलता हूँ मंगेश, वो बोला चाचा बैठ के क्या करेंगे, चलो जाके आएंगे। मैं बोला अरे बच्चा इधर पड़ा है और कैसे चले जाएंगे, किधर जाएंगे। उतने मेरे मैसेज बोली जाओ, आपका भी थोड़ा दिल बहल जाएगा, अभी इधर बैठ बैठ के तो आप कुछ कर नहीं सकते, कहाँ लेके जाता, जाओ ना आप नीचे। गए उसके गाड़ी में बैठ गया, बोले काका आपने को जूहीनगर जाना है। बोले चलो अब क्या जाना तो है, जाएंगे, अभी जूहीनगर में क्या है कुछ मुझे पता नहीं। उसने कागज़ दे दिया, बोला इसको पढ़ो, वो स्तोत्र था जिसको घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र बोलते। बोले 11 बार पढ़ो आप, ठीक है पढ़ो। मैं 11 बार उसको मैं पढ़ते गया। जब 11 बार हो गया तो हम लोग पहुँचे थे जूहीनगर के मंदिर में। मंदिर में पहुँचे, आरती चालू थी, आरती ली है, आरती की हम लोग, आरती खत्म हो गई। अब मंगेश जी बोले चलो पीछे जाएंगे मंदिर के और वहाँ धुनी है बापू की, वहाँ संविदा चढ़ाएंगे। हम लोग गए, संविदा लिए और चढ़ाने के बाद चढ़ाते वक्त बोला कि चाचा आपके दिल में जो बात है वो बोलो और ये संविदा छोड़ दो। मैं और क्या बोलता, बापू के तरफ देखा और बापू को बोला बापू अब क्या है, जैसा लड़का था वैसा मुझे चाहिए, वैसा मुझे लड़का मेरा दे दो। हालांकि उसके पहले डॉक्टर ने बताया कि इसके भेजा है ब्रेन है वो 90% डैमेज है। और पेपर में पढ़ा था, नवाकाल में आया था कि भेजे की एक भी पेशी अगर डैमेज हो गई या कमज़ोर हो गई या काम से गई तो वापस वो पेशी काम करती नहीं, वो डैमेज तो डैमेज ही रहेगी। ये सुना मैं और बापू जी से बोला बापू ऐसा ऐसा है अब क्या करूँ मैं, आपके हाथ में सब, कि उसके जीवन की डोर और मेरा आधार जो है आपके हाथ में, अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं आके वापस मेरे दिल में उतनी संविदा में आपके धोने में डाल दूंगा। ऐसे कहकर हम लोग चले आए, हॉस्टल में गया, पोषण दशी की तिथि थी, इतवार का दिन गया, रात को निकल गए, घर पे आ गए। बड़ा लड़का रात पली करता था हॉस्पिटल में, उसके साथ में रहता था। होते होते सोमवार गया, मंगलवार गया, बुध गया, गुरुवार शाम 5 बजे तो मेरा लड़का आया, बोला मंगेश जी, बोलते काका चलो ना आज जाएंगे अपन बापू के प्रवचन में जाएंगे। पर ठीक है चलो जाएंगे, पर बोले बापू के प्रवचन में सुनो प्रवचन कैसा होता है। मैं गया बैठा, प्रवचन सुना, मुझे इतना अच्छा लगा, अंदर से कुछ मालूम होने लगी कुछ होना है तो इधर अच्छा ही होने वाला है। तो बापू के जो टीवी का पर्दा लगा था उधर हाथ जोड़ कर मैंने फिर मन मांगी कि बापू मेरा लड़का मुझे दे दो। ये कह के जब प्रवचन ख़त्म हो गया, दर्शन ले लिया और हम लोग हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में गए तो मेरे
लड़के के मामा मामू, वो भी पुलिस में। तो मामी मुझे बाजू में लेके गई और बोली, भाऊजी अमित के पैर की उंगली हिली है, यानी वो कामों से बाहर निकलता है। ये सुन के मेरा कंठ है ना एकदम गदगद हो गया। मैं बोला, अरे मैं अभी तो प्रवचन सुन के आता हूँ और एक प्रवचन सुनने से इतना फर्क हो गया, विश्वास नहीं कर सका। मैं जाके खड़ा हो गया मेरे लड़के के कॉट के सामने, देखता हूँ उसके पैर के तरफ। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट होने आए, तो देखा तो उसके बाहर पैर की उंगली जरा सी हिली। मैं बोला, मुझे भास हो रहा है आँख में कुछ फर्क हो गया होगा। फिर खड़ा हो गया, फिर 10-15 मिनट देखा तो सही में उंगली हिल रही है। अरे मुझे इतना आनंद हो गया। वैसे बापू का हाथ जोड़ा और अपना नामस्मरण चालू था, ओम मनस सामर्थ्य दाता श्री अनुरुद्धाय नमः। फिर राम रक्षा में बोलते थे हम लोग, हनुमान चालीसा बोलने लगे, जो जो हमको बताया कि ऐसा बोलो वो बोलना चालू किया। दिन भर वही जाप जाप चालू था, स्तोत्र चालू था। ऐसा होते होते 7-8 दिन ऐसे निकल गए और 9-10 दिन के बाद वो कोमा से बाहर आया। जरा सा नली निकल दी, नाक की नली निकल गई, मुंह की नली वैसे रखे, हाथ की नली निकल गई और नाक की नली से उसको खाना जाने लगा उसके पेट में। होते होते 2-4 दिन के बाद उसको बाहर लाए, वार्ड में लाए, अभी ओरल मुंह से खाना खाने लगा वो। मगर पहचानता किसको नहीं। मगर एक टाइम अचानक क्या हुआ, वो ताली बजा के पापा पापा बोलने लगा, जैसा छोटा बच्चा बोलता। अरे मैं बहुत खुश हो गया, मेरा लड़का मुझे पहचानता है। बाकी किसको नहीं पहचानता, ना माँ को पहचानता, ना दोस्त को पहचानता, ना औरत को पहचानता, किसी को पहचानते नहीं था। 2-3 दिन होने के बाद हम लोग का जो स्तोत्र वगैरह सब चालू ही था, उसके सामने भी बोलते थे, उसके पीछे भी बोलते थे। होते होते उसने एक टॉयलेट की, जहाँ टॉयलेट है वो बोर्ड पड़ा तो लिखा था टॉयलेट। जैसा उसने पढ़ा बोला, टॉयलेट मुझे टॉयलेट जाना है। वो टॉयलेट गया, अकेला चल नहीं सकता था, बोला दरवाजे नहीं बंद करना, टॉयलेट में आके बैठो तुम। वो जैसा अंदर गया उसने कुंडी लगा दी, अंदर बैठ गया। और जब बाहर आने का टाइम है तो उसको बाहर आ नहीं सकता वो, ना घूम सकता ना कुछ हो सकता। उसने लहंगे के पैर में, एक पैर में दो पैर डाल में फंस गया था। फिर भाग दौड़ होगी, वार्ड बॉय आ गए, ऊपर से डंडे डाल के वो कुंडी निकाल दी, उसको बाहर लाया, कटिया पे सुलाया। और देखो 4-5 दिन उसको ओरल खाना खाने थोड़ी ताकत आ गई, मगर चल नहीं सकता था। उसको चलाने को लेके गए तो पैर जमीन में नहीं टिकते थे। होते होते अब क्या करना। और कुछ बात बताना चाहता हूँ तुम्हें, उसको कुछ भी ध्यान में नहीं था, पूरा ब्रेन उसका प्लेन हो गया था। तो बात करते करते पूछा रहे, तेरा नंबर क्या है, तेरा नाम क्या है, सब पूछते पूछते पूछते। बोला अमित तेरे पास नंबर है ना, तेरा पास टेलीफोन नंबर है ना, ज़रा लिख के बता तू। उसके हाथ में पेन दिया तो वो पेन से 2-2-2-4-4 ऐसा लिखते गया। और लिखते लिखते बोला, टू टू तेरा नंबर क्या है, 2-2 है क्या। बोले तेरा नंबर 2-2 नहीं, 4-4-4-1-1-4-8 ऐसा है। तो उसको याद आ गया, देखो बापू की कुपरा कैसी होती है। धीरे 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 सब आने लगा।
मीनवाइल उसके सर की पट्टी निकाल दी। देखे तो उसका चेहरा पूरे आम के जैसा हो गया था, सर एक बगल से नीचे गड्ढा हो गया था। तो डॉक्टर जी से पूछा ऐसा क्यों, तो बोले इसकी जो स्कल है खोपड़ी, खोपड़ी का उतना जो पोर्शन है उसका चूरा हो गया, टुकड़े हो गए। तो टुकड़े निकाल के हमने रख दिए है और ये ऊपर से चमड़ा सिला है। 3 महीने के बाद वापस इसका ऑपरेशन करके वो टुकड़े बिठाएंगे। तो आप अभी इसको 20 दिन हो गए, आप इसको घर को लेके जाओ। बोला अरे थोड़ा चलने फिरने लगा है, क्या करें, घर में तो लेके जाना पड़ेगा। बिल उसका देखो, बापू करते तो सब जगह से मदद करते, सब जगह से अपने को क्या बोलते उसको फ्री करते। ये ऑपरेशन के लिए मुझे 7 लाख खर्चा हुआ, उसमें से कोई ट्रस्टी नहीं दिया, मेरे जेब में तो इतने पैसे नहीं थे। मगर उसके जो दोस्त लोग थे, जो पुलिस लोग थे, उसने पूरे उनके जो पेमेंट, जो पूरा पगार है वो पगार मेरे मिसेस के पास ले ला के दे दिया। सब पूरा खर्चा उसमें हो गया, मेरा एक भी पैसा जेब से खर्चा नहीं हुआ। हालांकि देना भी चाहता था उनको, तो लेना नहीं चाहते थे, बस वो हमारा भाई है, बापू के ऊपर ऐसी होती है। तो बिना पैसे बापू ने उसका ऑपरेशन करवा लिया, उसको घर में लाया। उसके बाद 3 महीने यानी जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के गणपति आने थे, वो इसका ऑपरेशन था। गणपति आने से पहले 8 दिन ऑपरेशन हो गया, वो जो स्कल के टुकड़े थे सर में डाल के, कोटी में डाल के, ये खोपड़ी में डाल के वापस सिला दिया, उसको चमड़े ऊपर से आ गई। और 5-6 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज दे दिया। हालांकि बैंडेज बांधने के लिए, पट्टी बांधने के लिए वापस जाना था। जब पहली बार हमने बापू के गणपति का दर्शन किया पट्टी के साथ, और उसको ठीक होने के लिए 9 महीने लग गए। 9 महीने में वही पूजा पाठ, जप जाप, स्तोत्र पठन, राम रक्षा, हनुमान चालीसा, बापू का मंत्र जो दिया है वो सब पढ़ते पढ़ते लड़का काम पे जाने लगा। जो डॉक्टर बताते थे कि ये ठीक नहीं होगा, जिसका ब्रेन 90% डैमेज है, कुछ नहीं हो सकता है। मगर देखो बापू की कृपा, मेरा लड़का जैसा था पहले वैसा ही हो गया, तबीयत ठीक ठाक हो गई, ड्यूटी पे जाने लगा, अब एकदम नॉर्मल है। हरिओम, श्री राम, हम बैठ।